अच्छा, वीडियो को मैंने गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दिया था और उसका लिंक मैंने व्हाट्सएप पे आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था। लास्ट जो क्लास की वीडियो थी, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट फीडबैक, ठीक है। फीडबैक यानी हम क्लोज लूप ऑप एम्प के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और उसमें हम क्या पढ़ेंगे, हम सबसे पहले फीडबैक के बारे में। फीडबैक क्या चीज होती है? तो हमारे पास अगर एक ऑप एम्प के आउटपुट का कुछ हिस्सा हम वापस इनपुट के अंदर भेज दें, ठीक है, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? फीडबैक, ठीक है। अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम इसको इस तरह डिफाइन करते हैं, इफ द फ्रैक्शन ऑफ द आउटपुट वोल्टेज, इफ द फ्रैक्शन ऑफ द आउटपुट वोल्टेज इज फेड बैक टू द इनपुट टर्मिनल, टू द इनपुट टर्मिनल, इट इज नोन एज फीडबैक, ठीक है। अगर हमारे पास आउटपुट वोल्टेज का कुछ फ्रैक्शन, कुछ हिस्सा उसका, ठीक है, सारे के सारा आउटपुट वोल्टेज नहीं बल्कि उसका थोड़ा सा फ्रैक्शन, कुछ हिस्सा अगर हम इनपुट के अंदर वापस भेज दें, तो इस टर्मिनोलॉजी को हम क्या बोलेंगे? फीडबैक। ओके, अच्छा, इसके बाद नॉर्मली दे आस्क नेगेटिव फीडबैक। व्हाट इज नेगेटिव फीडबैक? तो नेगेटिव फीडबैक में हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास फ्रैक्शन ऑफ द आउटपुट होता है, इसको हम पॉजिटिव में नहीं बल्कि नेगेटिव टर्मिनल में भेजते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो वी आउट को हमने एक्चुअली इनपुट में दिया, और कायदे कौन से इनपुट के अंदर दिया? इन्वर्टिंग टर्मिनल में, नेगेटिव टर्मिनल में। तो बाय द वे, दिस इज नोन एज नेगेटिव फीडबैक। इस टर्मिनोलॉजी को हम नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। और ये जो आपके पास रेजिस्टर लगा हुआ है ऊपर, ये आपके पास कहलाता है फीडबैक रेजिस्टर। दिस इज एक्चुअली नोन एज फीडबैक रेजिस्टर, ठीक है जी। ये जो ऊपर हमारे पास रेजिस्टर लगा हुआ है, ये फीडबैक रेजिस्टर है, और यही वोल्टेज, फीडबैक वोल्टेज की वैल्यू को कंट्रोल करता है। यहां से ऑब्वियसली जो करंट आ रहा है या जो वोल्टेज हमारे पास इन्वर्टिंग टर्मिनल में जा रहा होगा, उसको हम क्या बोल रहे होंगे? फीडबैक वोल्टेज, ठीक है। तो नेगेटिव फीडबैक को हम कैसे डिफाइन करेंगे? नेगेटिव फीडबैक को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि अगर हमारे पास फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट इन्वर्टिंग टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल में भेज दिया जाए, तो इस चीज को हम फिर क्या बोलेंगे? नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इफ द फ्रैक्शन ऑफ द आउटपुट इज फेड बैक टू द इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ द ऑप एम्प, ठीक है, इफ द फ्रैक्शन ऑफ द आउटपुट इज फेड बैक टू द इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ द ऑप एम्प, इट इज नोन एज नेगेटिव फीडबैक। इस टर्मिनोलॉजी का नाम हमने क्या रखा हुआ है? नेगेटिव फीडबैक। अच्छा, नेगेटिव फीडबैक के कुछ रीजंस होते हैं, फीडबैक क्यों किया जाता है। सबसे पहली बात तो ये कि जब आप फीडबैक देते हैं, आउटपुट को इनपुट से कनेक्ट करते हैं, तो ये फिर ओपन लूप नहीं बल्कि क्या बन जाता है? क्लोज लूप ऑप एम्प हो जाता है, ठीक है। और क्लोज लूप ऑप एम्प का गेन इंफिनिटी के बराबर नहीं होता, बेशक आइडियल ऑप एम्प भी क्यों ना हो जाए, तो इसका गेन जो है ये इंफिनिटी के बराबर नहीं होता। ओके, तो नेगेटिव फीडबैक जब हम करेंगे या कोई भी फीडबैक करेंगे, वैसे हमारे सिलेबस में नेगेटिव फीडबैक ही है, जब हम अपने ऑप एम्प में नेगेटिव फीडबैक भेजेंगे तो हमारा ऑप एम्प क्लोज लूप हो जाएगा। क्लोज लूप होने का मतलब है कि हमारे ऑप एम्प का गेन अब इंफिनिटी नहीं रहेगा, क्लोज लूप हो गया है, ठीक है। और हमारे पास फ्रैक्शन ऑफ द आउटपुट हम किस में भेज रहे होते हैं? अपने नेगेटिव या इन्वर्टिंग टर्मिनल के अंदर भेज रहे होते हैं।
ठीक है। और ये जो रेजिस्टर ऊपर लगा हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, फीडबैक रेजिस्टर। एक बात याद रखिएगा कि नेगेटिव फीडबैक में नेगेटिव फीडबैक में इनपुट एंड फीडबैक वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज और फीडबैक वोल्टेज 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होते हैं, ठीक है। जब हम नेगेटिव फीडबैक देते हैं तो इनपुट और फीडबैक वोल्टेज 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होते हैं। व्हाट डज इट मीन बाय दैट, पे अटेंशन। लेट्स से हमारे पास एक ऑप एम्प है, ठीक है। अच्छा जी, हम इसमें कुछ सिग्नल दे रहे हैं नेगेटिव टर्मिनल में, जिसको हम क्या कंसीडर करते हैं, वी इन। वी इन एक्चुअली आपका वी एन है, और हमने कुछ इस तरीके से इसमें सिग्नल दिया, जो कि मान लीजिए मैक्सिमम कितना जाता है 2 और मिनिमम कितना होता है -2। दिस इज सिग्नल। अब जब ये आउटपुट होगा तो हमें पता है, क्योंकि ये इन्वर्टिंग है नेगेटिव वाला, आउटपुट में आपको पॉजिटिव साइकिल की जगह नेगेटिव और नेगेटिव साइकिल की जगह पॉजिटिव में मिलेगा, यानी आपको जो वी आउट मिलेगा वो कुछ उल्टा मिलेगा, मैग्नीफाई होके उल्टा मिलेगा इनपुट, ठीक है। इनपुट यूं था और आउटपुट उसका उल्टा मिले, क्योंकि ये एक्चुअली में क्या कर देता है, आपके ऑपएम्प को आउटपुट को इन्वर्ट कर देता है। अब भाई देखिए, हमने यहाँ पे एक वायर लगाया और एक फीडबैक रेजिस्टर लगा के इस ऑपएम्प का हमने क्या देना शुरू किया, फीडबैक। अच्छा जी, लेट्स से ये जो आउटपुट में वोल्टेज आ रहा है, जी वीपी जीरो रखा हुआ है मैंने, वीपी इज इक्वल टू जीरो कंसिडरेशन के लिए। अच्छा, अब मान लीजिए ये जो आउटपुट आ रहा था ये -6 और +6 वोल्ट तक आ रहा था। अच्छा, अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू की भी बात करूं तो यहां से जो आउटपुट चलेगा वो कितना होगा, 6 वोल्ट्स का होगा, करंट लेके कितना वोल्टेज चलेगा, 6 वोल्ट्स का। अब उस वोल्टेज में से कुछ वोल्टेज ये फीडबैक रेजिस्टर ले लेगा और बाकी सारे का सारा फीडबैक हो जाएगा। मान लीजिए इस रेजिस्टर ने 4 वोल्ट्स जो है, या लेट से 5 वोल्ट्स है, इसने ले लिया 5 वोल्ट्स रेजिस्टर ने यूटिलाइज करनी है, तो यहां पे जो करंट चल रहा होगा उसके पास कितना वोल्टेज बचेगा, 1 वोल्ट्स, ठीक है। अब जब ये 1 वोल्ट्स लेके आएगा तो, अच्छा बाय द वे, हमने आउटपुट वोल्टेज से ही फीडबैक निकाला, तो फीडबैक वोल्टेज, फीडबैक वोल्टेज हमें कितना मिलेगा, ऑब्वियसली -6 आ रहा था तो उसमें से हमने 5 निकाल लिया तो हमें कितना मिला होगा, -1, और इसी तरीके से जब +6 आ रहा है उसमें से 5 निकाल लिया तो हमें +1 का वोल्टेज मिला। दिस इज द फीडबैक वोल्टेज दिस टाइम। अब यही फीडबैक वोल्टेज जब हम दोबारा इनपुट के साथ एंटर करेंगे तो हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि फीडबैक आपके इनपुट के कैसा जा रहा है, कैसा जा रहा है, क्रस्ट है तो वहां ट्रफ है, ट्रफ है तो वहां ट्रफ, क्रस्ट है, इसका मतलब है कैसा जाएगा, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज जा रहा होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, नेगेटिव फीडबैक में हमेशा फीडबैक वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज या इनपुट सिग्नल वोल्टेज हमेशा 180 डिग्री आउट ऑफ फेज के अंदर जाएगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन पूछना है तो इसमें पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन पूछना है आप लोगों ने, अच्छा, क्योंकि इनपुट वोल्टेज में आउटपुट वोल्टेज जब मिक्स होता है और 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होता है तो उसकी वजह से हम क्या देखते हैं कि हमारे ऑपएम्प के अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं,
फीडबैक या नेगेटिव फीडबैक लगने की वजह से हमारे ऑपएम्प के आउटपुट में कुछ चेंजेस आते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये है कि नेगेटिव फीडबैक जो है वो हमारे ऑपएम्प के गेन को रिड्यूस कर देता है, ठीक है जी, इस गेन को रिड्यूस करता है, ठीक है। तो नेगेटिव फीडबैक हमारे गेन को रिड्यूस करेगा यानी कम कर देगा, क्योंकि क्लोज लूप हो जाता है ओपन, ओपन की जगह क्या हो जाता है, क्लोज लूप होता है, और क्लोज लूप होने का मतलब है कि उसका गेन इन्फिनिटी नहीं रहता, गेन रिड्यूस होके कम हो जाता है। अच्छा बाय द वे, जितना ज्यादा आप नेगेटिव फीडबैक देते जाएंगे उतना ज्यादा आपके पास गेन कम होता जाएगा, ठीक है। तो गेन इज एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फीडबैक वोल्टेज, और लेट से अगर हम फीडबैक वोल्टेज नहीं देंगे तो उस केस में हमारे पास गेन की वैल्यू मैक्सिमम यानी इन्फिनिटी भी हो सकती है, जो हम कहते हैं। अगर हम फीडबैक वोल्टेज को जीरो कर दें तो हमारे पास वन डिवाइडेड बाय जीरो किसके बराबर होता है, इन्फिनिटी, ठीक है। तो आपके पास कितना आ रहा होगा गेन, इन्फिनिटी आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव फीडबैक के इफेक्ट्स में क्या क्या चीजें शामिल है, सबसे पहला इफेक्ट जो है ये गेन को रिड्यूस करता है, ठीक है। अच्छा, ये गेन कम कर देता है लेकिन इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ फ्रूटफुलनेस भी आती है हमारे पास। ऑब्वियसली गेन कम हो गया मतलब एक आवाज अगर थी ऑपएम्प एम्पलीफाई कर रहा था तो उस आवाज की एम्पलीफिकेशन का जो हिस्सा होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या इसका एडवांटेज होता है हमारे पास, कि हमारे पास लेस डिस्टॉर्शन होती है, ठीक है, लेस डिस्टॉर्शन, ठीक है जी। डिस्टॉर्शन का मतलब ये है कि अगर लेट से आवाज है तो आवाज की क्वालिटी बेहतर हो जाती है, जो आवाज फटनी शुरू हो जाती है बहुत ज्यादा ऊंची, अगर हम किसी साउंड सिस्टम को चलाएं तो उसकी आवाज फटनी शुरू हो जाती है, तो वो साउंड की जो डिस्टॉर्शन है या फटना वाला हिस्सा जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। और सबसे लास्ट जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी आउटपुट ग्रेटर स्टेबिलिटी इन द आउटपुट, आउटपुट में आपको स्टेबिलिटी ज्यादा मिलती है। और इसके अलावा सबसे लास्ट में एक और इम्पोर्टेंट चीज, ठीक है, एंड दैट इज नेगेटिव फीडबैक इंक्रीज द बैंड विड्थ, आपके ऑपएम्प की बैंड विड्थ जो है वो नेगेटिव फीडबैक क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक इंक्रीजेस द बैंडविड्थ। ये चार मेजर इफेक्ट्स हैं आपके पास नेगेटिव फीडबैक के, गेन रिड्यूस होता है, डिस्टॉर्शन कम होती है, आउटपुट मोर स्टेबल होता है, मोर बैलेंस्ड होता है, और बैंडविड्थ आपके ऑपएम्प की नेगेटिव फीडबैक की वजह से बढ़ जाती है, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? कोई क्वेश्चन पूछता है किसी ने?
जी बिल्कुल सही कह रही है मिनीजा। वेरिएबल अगर हमें गेन करना है तो ये जो फीडबैक रेजिस्टर है इसकी वोल्टेज की वैल्यू को अगर हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, जैसे कि ये जो फीडबैक रेजिस्टर मैंने लगाया हुआ है, अगर मैं इस पे एक वेरिएबल रेजिस्टर लगा दूं उससे हम अपने गेन की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर फीडबैक वोल्टेज 1 होगा तो वी आउट इज इक्वल टू, नहीं, फीडबैक वोल्टेज जैसे ही जाएगा जब बात क्लोज लूप होगा, ठीक है, और इसकी वजह से आपके ऑपएम का आउटपुट या गेन थोड़ा सा रिड्यूस होगा, ठीक है, इनपुट आउटपुट बराबर नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, फीडबैक वोल्टेज किसी और ने कोई क्वेश्चन पूछना है? डज एनीवन हैव एनी अदर क्वेश्चन? अब हम क्लोज लूप ऑप एम्प के अंदर इनवर्टिंग या नॉन इनवर्टिंग ऑप एम्प के बारे में पढ़ेंगे कि जब आपका ऑप एम्प क्लोज लूप होता है तो उसमें गेन की वैल्यू कैसे उसकी डिसाइड होती है और किस तरीके से हमारे पास उसकी गेन की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। तो हेडिंग लगाइएगा आप लोग, क्लोज लूप नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प, ठीक है। तो हम क्लोज लूप नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एक क्लोज लूप नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प कुछ इस तरीके का होता है आपके पास दिखने में, इसका सर्किट अक्सर हमारे पास कुछ यूं बना हुआ है। दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल, आउटपुट में हमने यहां एक रेजिस्टर लगाया हुआ होता है, ठीक है, यहां हमने एक और रेजिस्टर लगाया होता है, यहां से हम एक फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट नेगेटिव टर्मिनल में भेज रहे होते हैं, विच इज एक्चुअली योर फीडबैक। आपको पास ऑप एम्प की पावर सप्लाईज होती हैं। जो पहला रेजिस्टर है उसको हम कहते हैं आरएफ और दूसरा रेजिस्टर है उसको हम कहते हैं आर वन, ठीक है, और हम अपना सिग्नल इनपुट इसमें दे रहे होते हैं, वीपी में दे रहे होते हैं। अच्छा जी, एक ऑप एम्प की जनरल इक्वेशन होती है वी आउट इज इक्वल टू गेन इनटू वी इन या वीपी माइनस वी एन, ठीक है, ये हमारे पास ऑप एम्प की जनरल इक्वेशन होती है। अच्छा जी, ये जो दो रेजिस्टर लगे हुए हैं यहां से कुछ वोल्टेज आ रहा होगा, लेट से कितना वोल्टेज आ रहा है वी आउट, ठीक है, ये जो दो रेजिस्टर है ये एक्चुअल में कुछ यूं लगे हुए हैं, गौर से देखिएगा, ठीक है, यहां से वोल्टेज आ रहा है कितना वी आउट और ये है आर एफ और ये है आर वन और इधर यू कैन सी दैट कि ये एक पोटेंशियल डिवाइडर है,
और यहां जो वोल्टेज जा रहा होगा एक्चुअली में वो वोल्टेज किस में होगा, जो वोल्टेज आर वन में जा रहा होगा, क्योंकि यहां से लेट से अगर 6 वोल्ट आ रहा है तो 6 में से लेट से आर एफ ने 2 वोल्ट अगर खा लिया, इस्तेमाल कर लिया, जो बचा हुआ 4 वोल्ट जो है वो आर वन में होगा, क्योंकि ये पैरेलल जंक्शन है तो यहाँ पे भी कितना वोल्टेज जा रहा होगा 4 वोल्ट का, ठीक है। इस तरीके से हम इसको डिसाइड करेंगे, ये मैं पहले भी बात बता चुका हूं। अब यहाँ पे हम जरा वी आउट की वैल्यू या वी आर की वैल्यू निकालें कि हमारे पास ये जो जा रहा होगा फीडबैक वोल्टेज ये कितना होगा। दिस आर वी आर वन, एक्चुअली व्हाट इज दिस, दिस इज फीडबैक, ठीक है। तो ये जो वी आर वन आ रहा है ये बराबर होगा आर वन अपॉन आर एफ प्लस आर वन इंटू वी ओ। वी ओ मीन्स जो आपके पास इनपुट वोल्टेज आ रहा था वो हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमारे पास ये जो फीडबैक वोल्टेज है ये एक्चुअली किस में जा रहा है, वी एन के अंदर, ठीक है, वी एन में जा रहा है। और हमने पढ़ा है कि एक आइडियल ऑप एम्प के लिए, आइडियल ऑप एम्प के लिए हमने क्या पढ़ा है कि वीपी बराबर होता है किसके, वी एन के, ठीक है। और वीपी एक्चुअली में वी इन या इनपुट वोल्टेज के बराबर है। ये देखिए वी इन जो आ रहा है वो वीपी में जा रहा है, और आइडियल ऑप एम्प के लिए वीपी और वी एन बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहां पे सिंस ये वी आर वन एक्चुअली वी एन के इक्वल है, तो इसको हम कह सकते हैं कि वीपी इज इक्वल टू आर वन आर एफ प्लस आर वन इंटू वी आउट। ये जो आउटपुट वोल्टेज एक्चुअली में दो इन दो रेजिस्टर्स में जा रहा है, वीपी क्योंकि वी एन के बराबर है तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी इन इज इक्वल टू आर वन अपॉन आर वन प्लस आर एफ इंटू वी आउट, या आर एफ पहले लिख लें बाद में लिखें डजंट मैटर। वी आउट को अगर हम सब्जेक्ट बनाए तो वी आउट इज इक्वल टू आर वन, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर वन प्लस आर एफ अपॉन आर वन इंटू वी इन हो जाएगा। ये जो R1 का LCM है अगर हम दोनों साइडों पे ब्रेक कर लें तो दिस विल बिकम V out इज इक्वल्स टू R1 अपॉन R1 प्लस RF अपॉन R1 इनटू VN। R1 R1 कैंसिल होगा और ये हो जाएगा 1, यानी जो फाइनल इक्वेशन बनेगी दैट इज V out इज इक्वल्स टू 1 प्लस RF अपॉन R1 into V in, यह हमारे पास इक्वेशन बनेगी। मैं फिर से रिपीट करता हूं वरिषा, हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज आ रहा है वो हमारे पास इन दोनों रेजिस्टर्स में जा रहा है आर एफ और आर वन में, जो हमारे पास फीडबैक वोल्टेज है जो कि इन्वर्टिंग टर्मिनल में वी एन वोल्टेज जा रहा है एक्चुअली में, वो जो वोल्टेज आ रहा है वरिषा, बल्कि मैं इसको डायरेक्ट वी एन कर देता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, दिस इज वी एन, ओके, ठीक है। अच्छा जी वरिषा, अब हमारे पास वी आउट का वोल्टेज आउटपुट में आया, उस वोल्टेज का कुछ हिस्सा आर एफ ने यूज कर लिया और बचा हुआ हिस्सा आर वन में गया, और क्योंकि यहाँ पैरेलल जंक्शन लगाया तो वो बचा हुआ हिस्सा यानी किसमें भी गया, वी एन के अंदर भी। तो मैं Vn निकालना चाह रहा हूँ, Vn एक्चुअली में वो वोल्टेज होगा जो R1 में जा रहा होगा, तो मैंने इस पे पोटेंशियल डिवाइडर की इक्वेशन लगाई कि Vn किसके बराबर होगा, जिस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज लगाया जाता है उसको न्यूमिनेटर में रखते हैं और डिनोमिनेटर में टोटल रेजिस्टेंस, और आने वाले वोल्टेज से हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वही हमने किया आर वन अपॉन आर एफ अपॉन आर वन, ठीक है। क्योंकि आइडियल ऑप एम्प के लिए वीपी बराबर होता है वीएन के, तो मैंने वीएन को वीपी से रिप्लेस कर दिया, आर वन अपॉन आर एफ प्लस आर वन इंटू वी ओ, और वीपी में हम एक्चुअली में हम अपना क्या दे रहे हैं, इनपुट सिग्नल, तो हम अल्टीमेटली ये भी कह सकते हैं कि वी इन इज इक्वल टू आर अपॉन आर वन प्लस आर एफ इंटू वी आउट। इस टर्म को हमने
दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया, यानी वरीशा जब इसको ऊपर लेके गया मल्टीप्लाई होगा और ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो वी आउट इज इक्वल टू के साइड पे रहा, आर एफ आर वन अपॉन आर एफ ऊपर आ गया न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में आर वन आ गया और ये वी इन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। एलसीएम को हमने ब्रेक किया, जब एलसीएम ब्रेक किया तो आर वन दोनों के नीचे चला गया, दैट इज आर वन अपॉन आर वन प्लस आर एफ अपॉन आर वन इंटू वी एन, आर वन कैंसिल हो गया, वन बचा। तो वी आउट की फाइनल इक्वेशन हमें मिल रही है वन प्लस आर एफ अपॉन आर वन, ठीक है, बिल्कुल सही। इक्वेट हमने इसको कर दिया गेन के, वी आउट इज इक्वल टू गेन इंटू वी इन, ठीक है। अच्छा, यानी अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर अब कर दें तो हमें क्या दिख रहा है कि हमारे इस ऑप एम्प का जो गेन है, जो कि एक नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प है, इसका गेन किसके बराबर है, वन प्लस आर एफ अपॉन आर वन। यानी इसके गेन की वैल्यू हमारे पास ये जो फीडबैक रेजिस्टर्स लगे हुए हैं उनसे कंट्रोल की जा सकती है। अच्छा, बाय द वे इस इक्वेशन के मुताबिक अगर हम आर एफ की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो गेन बढ़ेगा, और आर एफ की वैल्यू को अगर हम कम करेंगे तो गेन भी क्या होना शुरू हो जाएगा, रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। ये कॉपी कर लीजिए, कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए। प्लीज कॉपी दिस इक्वेशन। नहीं विनीजा, इट इज एन आइडियल ऑप एम्प, लेकिन क्लोज लूप होने की वजह से इसका गेन अब इंफिनिटी नहीं रहेगा, जैसे कि तुमने अभी कहा था सर कि वेरिएबल रेजिस्टर्स हैं तो इसके रेजिस्टर्स की वैल्यू से गेन चेंज होगा ना। तो ये ना देखो, रेजिस्टर्स की वैल्यू चेंज करोगी तो किस तरीके से गेन चेंज होगा, उसी की तो इक्वेशन ड्राइव की है मैंने क्लोज लूप ऑप एम्प के लिए। ये क्लोज लूप है विनीजा। ठीक है वनीजा, समझ में आया अभी है? डेरिवेशन कॉपी हो गई। सर लेकिन अभी एक प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं हो रही तो ये आइडियल अभी भी, कौन सी प्रॉपर्टी थी ये फुलफिल नहीं हो रही? गेन इंफिनिटी तो तब होता है जब इनफाइनाइट ओपन लूप गेन होता है आइडियल ऑप एम्प का। हमने उस प्रॉपर्टी में ये बात मेंशन किया था ये कि इनफाइनाइट ओपन लूप गेन होता है आइडियल ऑप एम्प का। जब ओपन लूप नहीं रहेगा, क्लोज लूप होगा, तो इनफाइनाइट गेन हो ही नहीं सकता फिर तो। ये आर एफ क्या होगा, लिटिल कंफ्यूज। अबान आरएफ जो है वो फीडबैक रेजिस्टर है, कितने अमाउंट ऑफ वोल्टेज को फीडबैक में कंट्रोल करना है, फीडबैक वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए हम आरएफ की वैल्यू को इस्तेमाल करेंगे। ये नॉर्मली बेटा एक वेरिएबल रेजिस्टर है जिसके थ्रू हम फीडबैक की वोल्टेज को कम करते हैं, ठीक है, या ज्यादा भी कर सकते हैं। इस केस में विनीजा अगर हम आरएफ बढ़ाएंगे तो गेन बढ़ेगा, इस केस के अंदर, और इस केस में अगर तुम आर वन बढ़ाओगी तो गेन कम हो जाएगा। ये छाप लिया आप लोगों ने, इसका क्वेश्चन कराऊं आप लोगों को एक। हाँ भाई, अम्मार, जैनब, रहमा, फातमा, फरवा, अबू बकर, जवाद, मिक्राम, हारिस, जुहेब, बेटा किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है? नहीं सर। अच्छा बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस।
This is a question of May-June 2009 paper 4. May-June 2009 paper 4 का सवाल है, ठीक है? सवाल आपसे क्या कह रहा है? By refer to an amplifier, explain what is meant by negative feedback. Negative feedback क्या होता है? तो negative feedback ये होता है कि अगर हम fraction of the output, when the fraction of the output is fed back to the inverting terminal of the op-amp, it is known as negative feedback. ठीक है, तो हमें सिर्फ नेगेटिव फीडबैक की डेफिनेशन बतानी है, उसके कॉजेस नहीं बताने. अगर वो पूछेगा तो हम बता देंगे कि नेगेटिव फीडबैक गेन कम करता है, डिस्टॉर्शन को कम कर देता है, बैंडविड्थ बढ़ा देता है और स्टेबिलिटी को ग्रेटर कर देता है. अच्छा, बड़े ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा आपको घुमा के ये इन्होंने बना के दिया है, लेकिन आपने पकड़नी कहाँ से चीज है ये बताइए कि आपका इनपुट सिग्नल किस टर्मिनल में जा रहा है, पॉजिटिव में या नेगेटिव में? पॉजिटिव में जा रहा है. अगर पॉजिटिव में जा रहा है तो इसका मतलब है कि ये नॉन इनवर्टिंग ऑप एम्प है ना, नॉन इनवर्टिंग ऑप एम्प है. अच्छा, अब देखो इसने सवाल क्या किया है. द सप्लाई टू द ऑप एम्प इज प्लस माइनस 9 वोल्ट्स, यानी आपके पास जो पावर सप्लाई दी हुई है जिसके टर्मिनल इन्होंने बनाने की जहमत नहीं की यहाँ पे, लेकिन एक्चुअली में कितने हैं, प्लस और माइनस 9 वोल्ट्स है. दिस इज प्लस 9 एंड दिस इज एक्चुअली माइनस 9, वो ये कहना चाह रहा है. द एम्पलीफायर सर्किट इज टू हैव अ गेन ऑफ 25, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस आर. तो R की रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है. बाय द वे, जो आउटपुट के फौरन बाद जो रेजिस्टर होता है उसको हम RF कहते हैं, और ये हमारा होता है R1. अभी हमने ड्राइव किया है कि गेन बराबर होता है 1 प्लस RF अपॉन R1 के. तो हमें R1 निकालना है एक्चुअली में, जो कि R यहाँ पे जिसको कह रहा है. गेन हमें 25 गिवन है इज इक्वल टू 1 प्लस RF. RF हमें कितना गिवन है, 120 अपॉन R1. ये 1 यहाँ पे प्लस हो रहा है, ठीक है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. ठीक है, तो ये हो जाएगा R1 इज इक्वल टू 120 डिवाइड बाय 24. क्या वैल्यू आ रही है भाई, कितने आ रही है रेजिस्टेंस की वैल्यू? 5. सो एक्चुअली दिस इज 5 किलो ओम्स. याद रखिएगा मेरे पास रेजिस्टेंस कितनी है, 120 किलो ओम्स, तो ये मेरे पास आएगा 5 किलो ओम्स के बराबर. ओके, दैट्स वेरी सिंपल. उसके बाद आगे उसने अब सवाल क्या किया है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज वी आउट of the amplifier in B for the input of -0.08. ठीक है, अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, सीधी सीधी इक्वेशन लगाएंगे. Vout is equals to gain into Vin. ठीक है, अच्छा, Vin हमने कितना दिया, 0.08 माइनस में, गेन हमारे पास 25 है, और Vout की वैल्यू हमें बतानी है. कितनी आएगी भाई Vout की वैल्यू, अगर 25 को -0.08 से मल्टीप्लाई करें? बोले, -2. ठीक है, तो हमें आउटपुट में कितना वोल्टेज मिलेगा बच्चों, -2 वोल्ट्स का मिलेगा. इसी तरीके से अगर हमारे पास सेकंड के लिए Vout is equals to 25 into 0.4 plus में, तो अब क्या वैल्यू आएगी, टेन. लेकिन 10 हमें आउटपुट में मिल नहीं सकता, इसलिए कितना वोल्टेज आएगा, प्लस 9 वोल्ट आएगा. ठीक है, गुड, शाबाश. तो इस तरीके से हमारे पास इसके क्वेश्चंस टैकल होंगे. ठीक है, सवाल खत्म हो चुका है. बहुत ही सिंपल, बहुत ही सीधे साधे से सवाल आते हैं इसके. ठीक है, ये 6 मार्क्स का सवाल है, आप देखिए. और एक्चुअली में ये क्वेश्चन करने में हार्डली 2 से 3 मिनट लगेंगे आपको, 2 से 3 मिनट मैक्सिमम आपको लगेंगे सवाल करने. ठीक है भाई, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है इसमें?
Does anyone have any question? या एक और क्वेश्चन करा दूं मैं आप लोगों को इसका. ओके, ये एक और मैं इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प का एक क्वेश्चन देखता हूं. दिस इज इन्वर्टिंग ऑप एम्प. ठीक है, ये भी नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प. ठीक है, अच्छा देखिए नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प है. क्या कह रहा है भाई? नेगेटिव फीडबैक मे बी यूज्ड इन द एम्पलीफायर स्टेट. व्हाट इज मेंट बाय नेगेटिव फीडबैक? इफ द फ्रैक्शन ऑफ द आउटपुट इज फेड बैक टू द इन्वर्टिंग टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल, इट इज सेड टू बी नेगेटिव फीडबैक. टू इफेक्ट्स ऑफ नेगेटिव फीडबैक ऑन द एम्पलीफायर इन कप्ड इन एन आइडियल ऑप एम्प. तो नेगेटिव फीडबैक रिड्यूसेस द गेन, इंक्रीज द बैंडविड्थ, इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द सिग्नल, रिड्यूस द डिस्टॉर्शन. कोई भी दो आपने इसमें से मेंशन करने. ठीक है, अब बड़े ध्यान से सुनिएगा. फिगर 9.1 इज अ सर्किट फॉर एन एम्पलीफायर दैट इज यूज्ड बाय विद अ माइक्रोफोन. ये माइक्रोफोन का सिंबल है आपके सामने. माइक्रोफोन में यकीनन हम अपना इनपुट सिग्नल देंगे. ठीक है, द आउटपुट पोटेंशियल डिफरेंस इज 4.4 व्हेन द पोटेंशियल एट पी इज 62 मिलीवोल्ट्स. Determine the gain. तो हमें इनपुट वोल्टेज, obviously it is a non-inverting op amp क्योंकि हमारा इनपुट वोल्टेज जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल में जा रहा है. तो ये हमारा इनपुट हो गया वी इन, ये हमारा आउटपुट हो गया और हमें गेन निकालना है. बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है, वी आउट इज इक्वल टू गेन इन टू वी इन. ठीक है, तो वी आउट हमें 4.4 गिवन है और हमें इनपुट गिवन है 62 into 10 to the power minus 3. तो इससे हमें गेन की वैल्यू मिलेगी. कैन यू टेल मी व्हाट इज द गेन? फोर पॉइंट फोर डिवाइड बाय 62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. क्या गेन की वैल्यू आ रही है? हाँ भाई अजान विनीजा, 71 का गेन आ रहा है ना भाई? ये गेन आ रहा है ना? ठीक है, तो 71 का गेन है. आप खुद समझ जाओ, 71 का गेन उसने निकलवा लिया हमसे. अब फौरन उसके बाद देखो, आर की वैल्यू हमें गिवन नहीं है. क्या निकलवाएगा यकीनन हमसे? आर की वैल्यू फाइंड करवाएगा. ये देखो जी, अब क्या करेंगे बताओ? अब हम इसकी गेन की इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, तो इसकी गेन की इक्वेशन किसके बराबर होती है? हाँ बिल्कुल सही है, गेन इज इक्वल टू 1 प्लस आर एफ अपॉन आर वन. और आर एफ वो वाला रजिस्टर होता है जो पहले आता है, और आर जो है वो वन जो होता है वो बाद में आता है. यानी हम सिंपली क्या करेंगे बच्चों, 71 प्लस सॉरी इज इक्वल टू 1 आर एफ, कितना गिवन है हमें 120 और अपॉन आर वन. तो ये वन उधर जाके माइनस हो जाएगा, 70 हो जाएगा. और 120 डिवाइड बाय 70 क्या वैल्यू आ रही है? 1.72 किलो ओम्स, है ना? तो ये आपके पास आर की वैल्यू हो जाएगी. अच्छा जी, आखिरी पार्ट पे अटेंशन. द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस बाय माइक्रोफोन एट पॉइंट पी is 95 millivolts. The power supply of the operational amplifier may be either positive or negative, or plus 9 or minus 9. Which power supply should be used? Justify your answer. ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. क्या बोल रहा है भाई कि आपको इनपुट कितना दिया जाता है? 95 का. हमें पता है कि गेन हमारे ऑप एम्प का कितना है? 71. ठीक है, तो हमें कौन सी पावर सप्लाई ज्यादा सूटेबल रहेगी, 9 वाली या 5 वाली? ठीक है, बिल्कुल सही है. हम वी आउट की वैल्यू निकाल लेते हैं. वी आउट इज इक्वल टू गेन इनटू वी इन, दैट इज वी आउट हमें कितना मिलेगा अगर हमारा गेन 71 है और इनपुट हमारा कितना है 95 इनटू 10 टू द पावर माइनस 3. जी क्या वैल्यू आ रही है वी आउट की? What is the value of V out?
71 है, सॉरी ये 7.1 लिख दिया मैंने, 71 वैल्यू ऑफ वी आउट इज 6.7 6.7 का मतलब ये है वनीजा के हमें ज्यादा सूटेबल पावर सप्लाई कौन सी होगी, 9 वोल्ट्स वाली होगी ना, हाँ ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन, इज दैट क्लियर, क्योंकि 5 वोल्ट्स में तो वो फॉरन ही सैचुरेट हो जाएगा लेकिन 9 वोल्ट्स में वो सैचुरेट नहीं होगा, इज दैट क्लियर टू एवरीवन। अब ये क्वेश्चन भी 3 + 2 = 5, 5 + 1 = 6, 6 + 4 = 10, ये 10 मार्क्स का सवाल है, एंड दिस ओनली हार्डली टुक 5 मिनट्स, 5 मिनट लगे हैं इसको करने में, सॉल्व करने में हार्डली 5 मिनट्स, ठीक है जी। इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए और मैक्सिमम इसके क्वेश्चंस कीजिए ताकि जो भी इश्यूज हों आप लोगों को वो फौरन से पेज पर रिजॉल्व हो जाए। कल जो हमारी फिजिकल क्लास है उसमें हम इस ऑपएम्प को तकरीबन खत्म कर लेंगे और हमारे पास अब रह गया है सिर्फ इन्वर्टिंग ऑपएम्प, ठीक है, विद द क्लोज लूप यानी विद द फीडबैक, फीडबैक के साथ जो इन्वर्टिंग ऑपएम्प है उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। हाँ विनीजा रिले का तो रिले भी बहुत आसान सा है, वो भी मुश्किल से हार्डली 2 मिनट 5 मिनट की बात है, उसमें बतानी है मुझे और एज सच उसमें कोई बहुत बड़ी कोई साइंस नहीं है उसमें, ठीक है ना। मैक्सिमम मैं ज्यादा थोड़ा टाइम ले लूंगा, एक की जगह 2 पीरियड और ले लूंगा इसको ताकि 2-4 क्वेश्चंस भी और करवा दूं तुम लोगों को, मैक्सिमम 2 पीरियड्स का ये टॉपिक रह गया, ठीक है, यानी इस वीक के बाद नेक्स्ट वीक अब हम लोग कम्युनिकेशन इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई, चलें ओके भाई, टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।